किसी जंगल में एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक सुंदर लड़की चलाती थी। जो भी रागीर उस रास्ते से गुजरता वह ढाबे में खाने खाने जरूर जाता। एक बार की बात है, रामू जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी वो अचानक देखता है एक रागीर उस ढाबे में जाता है और कुछ समय बाद जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। फिर कुछ समय बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। ये सब देखकर रामू वहाँ से डर के भाग जाता है। अगले दिन से रामू उस ढाबे पर छिप कर नज़र रखने लगता है। वह देखता है एक रागीर फिर से अंदर जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता। ढाबे के पास जाकर देखता हूँ। तभी रामू देखता है वह ढाबे चलाने वाली लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी और वह उस रागीर को खा जाती है। रामू ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद उसे जंगल में गांव के ही उसे एक पंडित मिलते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों इतना डर के भागे जा रहे हो? तभी रामू डर कर सारी बात पंडित को बताता है और कहता है, पंडित जी, वो ढाबे में कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि वह एक चुड़ैल है। जो भी रागीर उस ढाबे पर खाने खाने के लिए जाता वह रागीर को वह चुड़ैल खा जाती। रामू को ये नहीं पता था वह कोई पंडित नहीं बल्कि वो वही ढाबे वाली चुड़ैल थी। यह सब सुनकर पंडित चुड़ैल के रूप ले लेता है और रामू को पकड़ने के लिए झपकता है। तभी रामू जान बचाकर वहां से भाग जाता है और गांव पहुंचकर सभी को ये बात बतलाता है। ये सब बात सुनकर गांव वालों को यकीन नहीं हुआ और वो रामू पर हंसने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन करो, ये कोई साधारण लड़की नहीं एक चुड़ैल है। रामू, तुम पागल हो गए हो क्या? रामू शर्मिंदा होकर घर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद गांव के बच्चे गायब होने लगे। तभी लोगों को रामू की बात याद आई और वो रामू के घर गए। हम लोगों को माफ कर दो रामू, उस दिन हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया और तुम्हारी मजाक उड़ाया। कुछ दिन से गांव के बच्चे जंगल जाते हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आते। सब चलो गांव के पंडित जी के पास, वही इस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हैं। फिर रामू पंडित जी को सब कुछ बतला देता है। पंडित जी कुछ सामान लेकर जंगल के ढाबे की तरफ चल दिए। वह सुंदर लड़की के रूप में थी और पंडित को आते देखकर वो बहुत खुश हुई। आज मैं इस पंडित को खाकर अमर हो जाऊंगी। ऐसे ही पंडित जी वो ढाबे पे जाते हैं। उन्हें देखकर वह सुंदर लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तभी पंडित जी अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को जलाकर राख कर देते हैं और इस तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।